पुरुष जो कंदराओं के अंदर थे, जो गुफाओं के अंदर जो बैठे तप कर रहे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग वहां पर आकर के विराजमान हो गए, वो आकर के बैठ गए। और जैसे ही उन्होंने देखा परीक्षित की चित्त की स्थिति दशा को, भाव दशा को देखा, तो ऋषि मुनि लोग बड़े गदगद हो रहे थे। वहां पर पिपलाद थे, कन्नव थे, भगवान वेदव्यास जी थे, गौतम थे, बड़े बड़े याज्ञवल के बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग वहां पर आकर के विराजमान हो गए। और इतने सारे संतों के दर्शन करके बड़े ही गदगद हो रहे थे, कौन? राजा परीक्षित। अंतिम समय में संतों के दर्शन मिल जाए तो और क्या। अहो वयम धन्यतमा निर्पाणम महत मानो ग्रहणीय शीला राज्याम कुलम ब्राह्मण पाद सोचाद और दुरात विश्रिष्टम बतगरिय कर्मा। आज तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने सारे संतों का दर्शन प्राप्त हो रहा है, मेरे जैसा बड़ा सौभाग्यशाली और कौन व्यक्ति होगा। और उसी समय उन्होंने संतों को प्रणाम किया, निवेदित किया और कहा कि संतों महापुरुषों, सातवें दिन मेरी मृत्यु होगी, आप मुझे मौत से बचा लीजिए, मुझे मृत्यु से बचा लीजिए। अब बचाने वाले तो सब लोग थे वहां पर, भगवान वेदव्यास जी भी वहीं पर ही बैठे हुए थे, वेदव्यास जी चाहते तो वो भी बचा सकते थे मृत्यु से, कन्नव भी बैठा हुआ था, पिपलाद भी बैठा हुआ था, गौतम ऋषि भी बैठे थे, वशिष्ठ भारद्वाज सभी वहां पर विराजमान थे, सभी वहां पर बैठे हुए थे। लेकिन सब ने कहा कि नहीं नहीं परीक्षित, इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तो इच्छा ही कुछ और थी, वो तो स्वयं चाहते थे कि सुखदेव भगवान आएंगे और उनके मुखारविंद से ही हम उस दिव्य अमृत का पान करेंगे। संत महापुरुष जानते थे, इसलिए सब ने मना कर दिया कि परीक्षित हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और परीक्षित बैठा बैठा इंतजार कर रहा था कि मुझे गुरु मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर गुरु नहीं मिलेगा तो फिर मैं परमात्मा तक कैसे पहुंचूंगा, मेरी मुक्ति का साधन कौन बतलाएगा, मुझे इस संसार सागर से भव सागर से पार कौन लेकर के जाएगा। इसलिए गुरु की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए जीवन में मैं कहा करता हूं कि हमेशा सोच समझ करके गुरु बनाना चाहिए, जीवन में कभी भी निगुरा नहीं रहना चाहिए। हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारे वेद एक ही बात कहते हैं कि निगुरा कोई न मिलो, पापी मिलो हजार, एक निगुरे के शीश पर लाख पापों का भार, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन दान हराम है, जाए पूछो वेद पुराण। हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्र केवल एक ही बात कहते हैं कि बिना गुरु के हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अब आपको पता है कि भगवान कृष्ण को भी गुरु की शरण में जाना पड़ा था, भगवान राम इस धरा के ऊपर राम राज्य की स्थापना करने के लिए आए, उनको भी गुरु वशिष्ठ की शरण में जाना पड़ा था। आप चारों तरफ दृष्टि एक बार दौड़ाइए, चाहे वो कोई संत हो या फकीर हो, या कोई वानप्रस्थी हो या ब्रह्मचारी हो, या वो सद्गृहस्थी हो, सबको गुरुओं की शरण में जाकर के उन्होंने परमात्मा का दीदार, परमात्मा का दर्शन किया है। मेरे प्यारे, कबीर हो, नानक हो, पलटू हो, रेदास हो, गुरु गोविंद सिंह हो, कोई भी हो, सब गुरुओं की शरण में जाकर के अपने जीवन को धन्य, अपने जीवन को परिष्कृत किया, अपने जीवन को पावन बनाया। इसलिए गुरु की पग पग पर आवश्यकता पड़ती है। आज राजा परीक्षित गुरु का इंतजार कर रहे हैं कि मुझे कोई गुरु मिल जाए और मैं इस संसार सागर से भव सागर से पार उतर जाऊं।